नमस्कार आदाब सत श्री अकाल, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ फ़ोन पे किस तरह से लोगों पर राज करने लगा और किस तरह से पेटीएम और गूगल पे को पीछे छोड़ दिया। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले एक ज़रूरी सूचना, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। गूगल पे से मुकाबले में फ़ोन पे आगे बढ़ा और पेटीएम पिछड़ता गया। 2020 में कोरोना वायरस की वजह से कई लोगों ने यूपीआई ऐप्स का इस्तेमाल शुरू कर दिया था। अप्रैल 2020 में गूगल पे पर ट्रांजैक्शन की संख्या 44 करोड़ थी, जो दिसंबर 2020 में बढ़कर 85 करोड़ हो गई। इसी तरह अप्रैल 2020 में फ़ोन पे पर ट्रांजैक्शन की संख्या 37 करोड़ थी, जो दिसंबर 2020 में बढ़कर 90 करोड़ हो गई। वहीं पेटीएम की अगर बात करें तो वो अपने धीमी चालों से बढ़ रहा था। अप्रैल में उनकी ट्रांजैक्शन 12 करोड़ थी और दिसंबर में मात्र 25 करोड़ रही। अपनी ग्रोथ को लेकर फ़ोनपे ने कहा कि हमारा ध्यान ग्राहक सुविधा पर फोकस है। हमने ग्राहकों को उनकी ज़रूरी चीज़ें दी, जैसे UPI, डेबिट और क्रेडिट कार्ड, वॉलेट अनुसार सभी ऑप्शन देने के लिए प्लेटफॉर्म बनाया, जिससे कि लोगों को आसानी हो। हमारा मर्चेंट अप्रूवल नेटवर्क धीरे धीरे बढ़ रहा है। आज भारत के 500 शहरों में 1.5 करोड़ व्यापारियों से भी ज़्यादा हमारा नेटवर्क है। इतना तो आप सभी को पता ही है कि फ़ोन पे और पेटीएम के जरिए पैसा भेजा जाता है, लेकिन फास्ट प्रोसेस की बात करें तो फ़ोन पे थोड़ा सरल और सहज है, जबकि पेटीएम का प्रोसेस थोड़ा लंबा है। लेकिन यही कारण है कि लोग अपना समय बचाने के लिए पेटीएम की जगह फ़ोन पे का इस्तेमाल करने लगे हैं। अब आइए जानते हैं कि फ़ोन पे किस स्ट्रेटजी के साथ आज इतना दुनिया में छा गया। तो बात करते हैं उनकी पहली स्ट्रेटजी पर। इतना तो हम जानते ही हैं कि फ़ोन पे और पेटीएम के जरिए पैसा भेजा जाता है, लेकिन फास्ट प्रोसेस में फ़ोन पे आगे है। बात करते हैं दूसरी स्ट्रेटजी पर। पेटीएम का KYC प्रोसेस पेचीदा है, हाल के दिनों में सिरदर्द बन गया है, जबकि इस मामले में फ़ोन पे बेहतर है। बगैर KYC पेटीएम कैशबैक नहीं देता, जबकि फ़ोन पे के आसान KYC के कारण हमें दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता है। बात करते हैं स्ट्रेटजी नंबर 3 की। फ़ोन पे पर टिकट सपोर्ट और कस्टमर सपोर्ट दिया जाता है, मतलब अगर आप कोई पेमेंट करते हैं और वो फेल हो जाता है तो आप टिकट क्रिएट कर सकते हैं। बात करते हैं स्ट्रेटजी नंबर 4 और वो सबसे इम्पोर्टेंट बात। पेटीएम ने बताया कि कई कंपनियां UPI पेमेंट को पर्सन टू पर्सन ट्रांसफ़र ड्राइव कर रहा है, यानी कुछ यूजर्स मिलकर अमाउंट का लेन देन आपस में करते रहते हैं, इससे उन्हें कई बार कैशबैक मिल जाता है। पर्सन टू पर्सन ट्रांजैक्शन के नंबर्स और अमाउंट को बढ़ाया जा सकता है, लेकिन इसे बिजनेस नहीं कहा जा सकता। हमारा फोकस पर्सन टू मर्चेंट है। पर्सन टू मर्चेंट हमारा मार्केट शेयर 50% से ऊपर है, जिसमें UPI पेमेंट भी शामिल है। तो ये थे कुछ स्ट्रेटजी जिस पर काम करके फ़ोनपे ने अपने अलग पहचान बनाई। अब बात करते हैं कंपनी की मार्केट वैल्यू की। अभी हाल में ही फ़ोनपे ने बताया है वो अपना कंपनी का IPO लॉन्च करेगा। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI द्वारा जारी किए गए दिसंबर 2021 के आंकड़े के मुताबिक फ़ोनपे का यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, जिसे UPI कहते हैं, उनकी मार्केट शेयर वैल्यू 58.4 है और 46.2 मार्केट शेयर के साथ गूगल पे दूसरे नंबर पर, जबकि 22.7 मार्केट शेयर के साथ पेटीएम तीसरे नंबर पर रहा। फ़ोनपे नवंबर 2020 में दूसरे स्थान पर और गूगल पे पहले स्थान पर था, लेकिन आज फ़ोनपे ने उसे पीछे छोड़ दिया। तो कुछ इस स्ट्रेटजी के साथ आप अपने कंपनी या बिजनेस को आगे ले जा सकते हैं। तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं इसमें से कौन सी स्ट्रेटजी आपको पसंद आई। और हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट बात, नहीं ये कंपनी के बारे में नहीं, ये है आपके बारे में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट तो आप करेंगे ही।
तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। बाय बाय, टेक केयर।